गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ मेक श्योर रेड बटन प्लीज़ हिट कीजिएगा एंड बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आ। सो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है टीनएजर्स स्किन केयर रूटीन्स। तो न्यूली टीनएजर्स होती हैं 13, 14, 15, 19 तक, उन्हें पता नहीं चलता कि आप अपनी स्किन के लिए क्या यूज़ करें, क्या बेस्ट रहेगा टीनएजर्स के लिए। तो वीडियो जो आपके लिए है, आप टीनएजर्स के लिए, आपके लिए वीडियो, तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना। कैसे आप अपनी स्किन को ठीक रखें, इस टीनएजर्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम जैसे पिंपल्स, ब्लैक हेड्स, बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। सो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक टिप्स देना चाहती हूँ कि टीनएजर्स का आपको पानी बहुत पीना चाहिए। आप पानी पियेंगे तो उससे आपकी स्किन हाइड्रेट रहेगी और आपको पिंपल्स, ब्लैक हेड्स की समस्याएं दूर हो जाएंगी। एंड लाइक आपको जब भी लगता है कि आपको पानी पीना है या थोड़ी सी भी आपको प्यास लग रही है तो आपको पानी पीना है, क्योंकि पानी पीने से आपका जो फेस है वो हाइड्रेट रहेगा, आपकी बॉडी हाइड्रेट रहेगी और आपको पिंपल्स नहीं होंगे। फ्रेंड्स, टीनएजर्स में हम वैसे भी वाटर को स्किप कर देते हैं कि वाटर नहीं पियेंगे तो क्या हो जाएगा, लेकिन नो, आपको वाटर पीना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखनी है, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखना है। वाटर इज वेरी असेंशियल फॉर योर बॉडी एंड योर स्किन। सो प्लीज़ गर्ल्स, के आपके लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, हाइड्रेट रहें, अपनी स्किन को हाइड्रेट रखें एंड अपनी बॉडी को भी हाइड्रेट रखें। सो फ्रेंड्स, मैं अपना पर्सनली आपको बताऊंगी कि मैं बचपन से, जब मैं टीनएजर्स में थी, मैं शुरुआत से बहुत सारा पानी पीती थी। लाइक जब भी मुझे प्यास लगती थी तो मैं उससे ज़्यादा ही पानी पीती थी। पानी की वजह से मुझे बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं हुई है, मुझे बहुत ज़्यादा उसने हेल्प किया है वाटर ने। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे मैं सजेस्ट करूंगी कि आप आज से ही पानी पीना स्टार्ट कर दें। वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो पिया करिए पानी। सबसे पहले आती है हमारी बारी फेस वॉश करने। सो फ्रेंड्स, फेस वॉश, ये पॉन्ड्स का फेस वॉश है, एक्टिव चारकोल वाला, तो मैं इसे यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग इसे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये मेरी स्किन को काफ़ी सूट करता है। ये सारे डस्ट पार्टिकल्स सबको हटा देता है एंड ये मेरा बहुत फेवरेट है। मैं इसे काफ़ी मंथ से यूज़ कर रही हूँ एंड काफ़ी ईयर भी हो चुके हैं मैं इसे शुरुआत से इसे यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, तो आप अपना कोई भी अपना फेवरेट यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश के लिए। फ्रेंड्स, एक रेमेडी भी है, अगर आपके पास फेस वॉश नहीं है तो आप उससे भी अपना फेस वॉश कर सकते हैं, फेस क्लियर कर सकते हैं, तो मैं आपको भी बताऊंगी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन के बाद। एंड फ्रेंड्स, जो ये फेस वॉश होते हैं, आपसे एक चीज सजेस्ट करूंगी कि आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ही अपना फेस वॉश यूज कीजिएगा। अगर आपकी ऑयल स्किन है, ड्राई स्किन है, तो अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंग ही आप फेस वॉश चूज कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है, आप घर पर भी अपना फेस वॉश बना सकते हैं। जी हाँ, आप घर पर भी अपना फेस वॉश बना सकते हैं, जिसके लिए आपको चाहिए ग्राम फ्लोर यानी कि बेसन। आप घर में आसानी से अपना फेस वॉश बना सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। लाइक होता है ना कि जैसे स्टडी में पढ़ाइयाँ होती हैं, हम टीनेजर्स में होते हैं तो हमें काफ़ी प्रेशर होता है, हमारे पिंपल्स होते हैं, हमें पता नहीं चलता हम किससे फेस वॉश करें, तो ये रेमेडी सिर्फ आपके लिए। और आप इसमें गुलाब जल मिला सकते हैं, सबसे अच्छा है रोज वाटर मिला सकते हैं, जिससे कि आपकी स्किन को बहुत अच्छा करेगा। सो बहुत ही अच्छा क्लेंजर है, आप इसे जरूर यूज करके देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे। स्टेप कंप्लीट करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है टोनर। टोनर में मैं सबसे ज्यादा रिफर करूंगी आपको रोज वाटर। रोज वाटर इतना अच्छा टोनर होता है फ्रेंड्स। ये है मेरे हाथ में गुलाब जल, जो कि बहुत अच्छा टोनर है, बहुत अच्छा टोनर। एज ए टीनएजर्स आप यूज कर सकती हैं गुलाब जल एज ए टोनर, काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं फ्रेंड्स इसके, आप एक बार यूज करके देखिए। रोज वाटर है, ये टोनर है, ये ऑल स्किन टाइप होता है एंड ये हमारी स्किन को हाइड्रेट कर देता है एंड हमारे जो भी ओपन पोर्स होते हैं उसे मिनिमाइज कर देता है एंड जो भी डर्ट होती है वो हमारी स्किन पे नहीं जा पाती, जिससे कि पिंपल्स हो जाते हैं, बहुत ब्लैक हेड्स हो जाते हैं, तो ये टोनर बहुत अच्छा काम करता है, आप प्लीज इसे ट्राई कीजिएगा। सो टोनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो अब इसको हम लगाएंगे। अब बारी आती है हमारी मॉइस्चराइजर की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, इम्पोर्टेंट है हमारी स्किन के लिए।
फ्रेंड्स, मैं ये मॉइस्चराइजर ये वाला यूज करती हूँ, ये मेरी स्किन को काफी सूट करता है एंड आप भी अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं जो आपकी स्किन को सूट करे। ये मैं काफी मैं सालों से लगा रही हूँ, मैं ईयर से लगा रही हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत सूट करता है फ्रेंड्स, और आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी स्किन के लिए, अगर ये वाला स्टेप नहीं होगा हमारी स्किन को तो हमारा स्किन केयर है वो अधूरा हो जाएगा, और वो है सनस्क्रीन। तो मैं यूज करती हूँ गार्नियर की सनस्क्रीन, ये मुझे बहुत सूट करती है फ्रेंड, जिसमें है एफसीएफ 15 है, यूवी रेज को ये कम करती है फ्रेंड्स, और आपको धूप से प्रोटेक्ट करती है। सो गाइस, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ हो, तो ये हमारी स्किन को बहुत अच्छा कर देती है एंड सनस्क्रीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम यूवी रेज, यानी कि सन रेज से ये हमें प्रोटेक्ट करती है सनस्क्रीन। तो या गाइस, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है सनस्क्रीन, आपको भी लेके रखनी है आपके पास सनस्क्रीन। सो फ्रेंड्स, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो है लिप ग्लॉस, जो कि काफी इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। That's it for today. I hope आपको मेरी वीडियोस अच्छी आई होगी, पसंद लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज हिट द बेल आइकन एंड लाइक शेयर एंड कमेंट्स प्लीज फ्रेंड्स। कमेंट करके भी जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय।